महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री विद्यासागर राव जी, मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, श्री नयन शाह जी, श्री श्री प्रकाश गोयनका जी, अन्य गणमान्य अतिथियों, देवी और सचिव, आज मकर संक्रांति का पर्व है, उत्तरायण का पर्व है, पोंगल का पर्व है और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हम बिहू का पर्व सेलिब्रेट करते हैं। इस अवसर पर यहाँ पर सभी उपस्थित बहनों भाइयों और देश में विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों को मैं अपनी शुभकामनाएं और बधाई अर्पित करता हूं। आज जब मैं इस परिसर में प्रवेश किया तो बहुत कुछ मेरी पुरानी स्मृतियां ताजा हो गई। ठीक एक वर्ष पहले दिसंबर का अंतिम सप्ताह, उसमें मेरा यहाँ आना हुआ था और सचमुच में उसके पहले आदरणीय माता जी से मेरे फोन पर बात हुई थी। उन दिनों मैं बिहार का राज्यपाल था और उन्होंने बड़े आत्मीय भाव से मुझे निमंत्रित किया और कहा कि आपका पगोडा में स्वागत है, आप आएंगे, हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। एक वो भाव लेकर के जब मैं यहाँ पर आया, पहले पगोडा आया, यहाँ का भ्रमण किया, उसके पश्चात जब यहाँ आने पर जानकारी मिली कि माताजी अस्वस्थ हैं, हॉस्पिटलाइज्ड हैं, तो नेक्स्ट डे हम उनसे मिलने का प्रोग्राम इसलिए बनाया क्योंकि मैंने सोचा कि जिसके आग्रह पर, जिसके निमंत्रण पर मैं यहाँ तक आया और उससे ना मिल सकूँ, उसके दर्शन ना कर सकूँ, तो मेरे लिए भी एक मन में एक बात कछुआती रहती है। और उसी दृष्टि से अगले दिन जब मैं गया हॉस्पिटल में, उनके परिवार के सभी लोग थे, वो आदरणीय माता जी बिल्कुल अचेत अवस्था में थी, लेकिन जब मैं गया तो स्वाभाविक है प्रणाम करते हुए बताया गया उनको कि बिहार के राज्यपाल आए हैं, कुछ आंखें खुली और उसी को मैं मानता हूँ कि शायद वो एक संवेदना उनके हृदय में रही होगी कि जिसको हमने आमंत्रित किया था आज वो हमारे सामने है। मुझे भी बहुत ही, जिसको कहते हैं, हृदय द्रवित होता है उनके निमंत्रण को स्वीकार करते हुए, उनकी स्मृति को नमन करते हुए आज मैं पुनः आप सबके साथ में यहाँ पर खड़ा हूँ। हम सब लोग जानते हैं कि ये जो स्थल है वो अध्यात्म से जुड़ा हुआ स्थल है। लगभग 15-16 वर्ष पहले मुझे विपसना पद्धति से जुड़ने का अवसर मिला था, इसलिए इस विपसना पगोडा में आकर मुझे आज अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। सयाजी बाघिन विपसनाचार्य सत्यनारायण गोयनका जी और आदरणीय माता जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करके मुझे आज के दिन इन विभूतियों के प्रति सम्मान व्यक्त करने का सुअवसर मिला है। आज इस अवसर पर धम्मालय का शिलान्यास करके भी मुझे प्रसन्नता हुई है। महाराष्ट्र अनेक विशेषताओं और उपलब्धियों के लिए जाना जाता है,
लेकिन इस राज्य को सबसे अधिक प्रसिद्धि यहाँ पर विकसित अध्यात्म और आस्था से जुड़ी परंपराओं से मिलती है। पूरी दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करने वाली भगवान बुद्ध के इतिहास से जुड़ी अजंता की गुफाएं इसका साक्षात उदाहरण है। इन गुफाओं के चित्रों और पत्थर पर उकेरी गई मूर्तियों में बोधि तत्व, बोधि सत्व, करुणा अवतार के रूप में दिखाई देते हैं। सबके प्रति करुणा का भाव रखना ही बुद्ध की शिक्षा का सार है। मानव समाज के लिए हिंसा से करुणा की ओर जाने की जरूरत आज और भी अधिक हो गई है। इसीलिए भगवान बुद्ध के आदर्शों को लोगों तक पहुंचाना भी उतना ही जरूरी हो गया है। विपश्यना पद्धति के द्वारा इन आदर्शों को लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलती है। भारत की प्राचीन पाली भाषा में विपश्यना का अर्थ है आत्मदर्शन। यह बुद्ध की शिक्षा का सार है। यह उस सत्य का यथाभूत ज्ञान दर्शन है जिसका वे जीवन पर्यंत उपदेश देते रहे। विपश्यना साधना के द्वारा स्वयं भगवान बुद्ध ने इसी सत्य की प्राप्ति की थी। आज की भागदौड़ और तनाव भरी जिंदगी में इस पद्धति की प्रासंगिकता और भी बढ़ गई है। विपश्यना के अभ्यास से एकाग्रता बढ़ती है। विपश्यना का अभ्यास करते हुए एक विद्यार्थी अपने अध्ययन और परीक्षा परिणाम में सुधार प्राप्त कर सकता है। एक अधिकारी अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सकता है। एक खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। ऐसे अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। शरीर, मन और अध्यात्म सभी स्तरों पर विपश्यना का अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसलिए विपश्यना पद्धति का प्रसार समाज के लिए बहुत ही हितकारी है। मुझे यह देखकर खुशी होती है कि इगतपुरी में गोयनका जी द्वारा स्थापित धम्मगिरी विपश्यना केंद्र, नागपुर में ड्रैगन पैलेस टेंपल का विपश्यना ध्यान केंद्र और यहाँ विश्व के सबसे बड़े पगोडा में बना यह ध्यान केंद्र विपश्यना पद्धति के प्रसार में अपना योगदान दे रहे हैं। यह सभी केंद्र बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करते हैं, जिसका उल्लेख अभी नयन शाह जी ने संख्या की दृष्टि से भी बताया। विपश्यना के इन केंद्रों में केवल महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश विदेश से बड़ी संख्या में लोग आते हैं, ऐसा मुझे बताया गया। मुझे यह भी जानकारी मिली कि सन 1972 में विनोबा भावे के कहने पर श्री सत्यनारायण गोयनका जी ने स्कूलों में बच्चों को विपश्यना पद्धति की शिक्षा देना शुरू किया था। उसके बाद 1975 में जेलों में अपराधियों को भी साधना सिखाना शुरू किया गया। भगवान बुद्ध की शिक्षा से अंगुलीमाल और चंड अशोक के हृदय परिवर्तन की परंपरा को आज के युग में इस फाउंडेशन द्वारा जेलों में अपराधियों को विपश्यना पद्धति की शिक्षा देकर और आगे बढ़ाया जा रहा है। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि महाराष्ट्र में राज्य सरकार ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को भी विपश्यना पद्धति सीखने के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। अन्य राज्यों द्वारा भी ऐसी पहल की गई है। भगवान बुद्ध के संदेश को विपश्यना पद्धति के जरिए आगे बढ़ाकर इस फाउंडेशन के लोग आज के माहौल में एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप सबके प्रयासों से बहुत से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आदरणीय सत्यनारायण गोयनका जी से भी मेरी भेंट हुई थी और लगभग 10 या 15 मिनट का एक साक्षात्कार। उन दिनों मैं संसद में राज्यसभा का सदस्य था, दिल्ली की बात है, और एक वन डे शिविर जो लगता है उसी में मैं भी गया था, तो एक अलग से चर्चा हुई।
उनकी जो मैंने चिंता देखी थी, जब उन्होंने कहा कि सामाजिक क्षेत्र में, आम जनता के क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं, उनका संकेत राजनीतिक क्षेत्र की तरफ था, जो लोग काम करते हैं वो तमाम लोगों से मिलना जुलना, तमाम लोगों की बातों को सुनना, अच्छी बातें सुनना, बुरी बातें सुनना, सब प्रकार के उनको सुनना पड़ता है। और इसलिए उनका आग्रह था कि समाज क्षेत्र में जो पब्लिक फील्ड में लोग काम करते हैं, वो यदि विपसना की पद्धति को अपनाएंगे तो उनको सुख शांति और जिस प्रकार की समस्याओं का समाधान एक वो अच्छे ढंग से कर सकते हैं, वो करने में सहायक होगा। इस प्रकार की कुछ चर्चाएं हुई थी। मुझे नहीं पता था कि शायद उनके साथ में वो मेरी चर्चा पहली थी और आखिरी थी, लेकिन आज भी वो स्मृतियाँ मुझे ताजी हैं कि संभवतः यही दिन थे, सर्दियों के दिन, और हम लोग धूप में बैठे हुए थे। बहुत सारे वो साधकों के प्रश्नों का उत्तर देने के पूर्व, सायंकाल 4 बजे का समय था, उसके पूर्व लगभग 3:30 बजे, उस समय एक मेरी 10-12 मिनट की एक संक्षिप्त भेंट हुई थी। मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि विपसनाचार्य आदरणीय गोयनका जी का मुझे सानिध्य प्राप्त हुआ। मैं समझता हूँ कि विपसना पद्धति के प्रयासों से पूरी मानवता को लाभ मिलता है। इस फाउंडेशन को इन कल्याणकारी उद्देश्यों में सफलता मिले, ये मेरी हार्दिक शुभकामना है। धन्यवाद। जय हिंद।